मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी फिल्में बनती नहीं रहे और इस तरह से रिलीजिंग हो एक साथ तीन खड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि अब संघर्ष 2 का सहारा लेना पड़ेगा हर हर गंगे को। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है इसकी पूरी जानकारी सबूत के साथ आपको पूरा विस्तार रूप से इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अंत तक देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि बहुत दिनों से पवन सिंह के फैंस इंतजार कर रहे थे हर हर गंगे का ट्रेलर का, जो कि फाइनली कल 2 अक्टूबर को रिलीज हो गया। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से इस फिल्म का टीजर ने काफी ज्यादा बवाल मचाया था, लोगों के अंदर सस्पेंस पैदा किया था, ऐसा ये ट्रेलर नहीं रहा। ट्रेलर देखने के बाद लोगों को आधा से ज्यादा कहानी समझ में आ गया और बहुत सारे लोग इस ट्रेलर को ट्रोल भी करने लगे हैं कि ट्रेलर अच्छा नहीं है और फिल्म को लेकर सिर्फ एक हवाबाजी किया जा रहा है। यहां तक कि आप लोगों को बता दें कि सिनेमा घर वाले लोगों को भी कंफ्यूजन था कि किस फिल्म को लगाए, हर हर गंगे को या संघर्ष 2 को। वाराणसी के थिएटर आनंद मंदिर वाले ने तो वोटिंग ही करवा दी और वोटिंग में खेसारी लाल यादव के फैंस इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाए, हर गंगे दूर दूर तक संघर्ष 2 से पीछे नजर आ रहा है। लेकिन अब आप लोग को बता दें कि आखिर हर हर गंगे को कैसे सहारा लेना पड़ रहा है संघर्ष 2 का। तो आप लोगों को बता दें कि कल एक इंटरव्यू आया है यूट्यूब पर जिसमें हर हर गंगे और संघर्ष 2 दोनों के जो प्रोड्यूसर हैं एक साथ दिखे हैं। जैसे कि संघर्ष 2 के पराग पाटिल जी और हर हर गंगे की चंदन उपाध्याय जी दोनों एक साथ एक इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी पहल है प्रोडक्शन टीम है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी फिल्में बनती भी रहे और इस तरह से रिलीजिंग हो, एक साथ टीम खड़ा हो, एक साथ इंडस्ट्री खड़ी हो। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि चंदन उपाध्याय जी और पराग पाटिल जी काफी ज्यादा मिलजुल के सहमति से काम कर रहे हैं और दोनों अपने अपने फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक भी हैं। तो यहाँ पर इस चीज को दिखाने का बस एक ही मकसद है। आप लोगों को बता दूं कि देखिए अब डायरेक्टर भी मिलने लगे हैं। ये वही चंदन उपाध्याय है जो कि आज से कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि शेर के सामने जो भी आता है उसका क्या हाल होता है वो तो आप लोग जान ही सकते हैं। जैसे कि याद दिलाने के लिए ये चीज आप लोग देख लीजिए। हम लोग उसी रास्ते कदम पे हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, तो हम उसी रास्ते कदम पे हैं। जिसको आना है आजा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर क्या बयान आ रहा था चंदन उपाध्याय जी के, और अब जनता का रिएक्शन देख के चंदन उपाध्याय जी का बयान बदलते नजर आ रहा है और खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 के प्रोड्यूसर से मिलते नजर आ रहा है। तो यार आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब जो जनता है वो सच में भगवान है, अच्छे अच्छों की औकात दिखा देती है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है, जो कि यहाँ पर नजर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा जानकारी समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग किस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।